तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि नाइली और बाकी सब अब 8th फ्लोर पर आ चुके थे। यहाँ आते ही उनका टेस्ट चालू हो जाता है, इसलिए उन्हें कल्टीवेशन करनी थी और फाइनल स्टेज पर तक पहुँचना था। अब वैसे तो ये कल्टीवेशन आसान नहीं होने वाली, लेकिन अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब इस पार्ट के स्टार्टिंग में पिछले पार्ट के एंड के बाद से होती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो ब्लैक ड्रेस वाला लड़का दुआन जियान के पास बढ़ रहा था। अब वैसे तो दुआन जियान पूरी तरह से तैयार था, पर फिर पता चलता है कि वो लड़का तो उसकी तरफ बढ़ ही नहीं रहा था, बल्कि वो उसे फ्लोर से अगले वाले फ्लोर पर जा रहा था। वैसे नेक्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए उनका पावर और ज्यादा होनी चाहिए थी। तो अब उस लड़के ने यहाँ कल्टीवेशन कर अपनी पावर इतनी कर ली थी कि वो अगले फ्लोर पर जा सके। वैसे यही कारण था कि बाकी कुछ लोग अभी सेकंड फ्लोर पर तक नहीं आ पाए हैं। वैसे अब ब्लैक ड्रेस वाला लड़का चढ़ाव चढ़ने लगा था, मगर तभी उस ड्रेस वाले की पावर बढ़ जाती है और वो इससे पहले वहाँ थर्ड फ्लोर पर चला जाता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो जितने जल्दी कल्टीवेशन स्टार्ट करेगा वो उतने जल्दी ही नेक्स्ट स्टेज पर पहुँच जाएगा। अब उसके बाद वो लड़की भी ऊपर थर्ड फ्लोर पर जाने लगती है, मगर अभी नाइली और हमारे ग्रुप की कल्टीवेशन उतनी नहीं हो पाई थी कि वो नेक्स्ट फ्लोर पर जा सके। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि अब नाइली की बॉडी में बहुत सी एनर्जी अब्सॉर्ब होने लगी है, साथ ही हम फिर उसके सोल सी के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर उसका सोल सी अभी बहुत शांत था, साथ ही वो इस वक्त अपनी कल्टीवेशन फास्ट करने के लिए नाइली यहाँ पर 3 लॉगी पावर का यूज कर रहा था, मगर इससे इसके कल्टीवेशन में ज्यादा कोई फर्क नहीं दिख रहा था। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसके सोल सी के अंदर उस डिवाइन ट्री में धीरे धीरे एक फ्लावर खिलता है। दरअसल इसका सीधा साफ मतलब यही है कि अब नाइली अपने लीजेंडरी रैंक पर पहुंचने वाला है। पर तभी हम देखते हैं कि एक बार फिर एनर्जी का फ्लो एक साथ बहुत स्पीड से नाइली के बॉडी में जाने लगता है। इसके बाद वह इन्फॉर्मेशन बनता है और आसपास एनर्जी पिलर्स बनने लगते हैं। ये एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल थी, पर इस एनर्जी के फ्लो में होने के कारण ये एनर्जी इतनी कैपेबल हो गई थी कि अब नाइली लीजेंडरी रैंक पर पहुंच सके। इसके साथ ही हम देखते हैं कि अभी बाकी सबकी बॉडी भी एनर्जी ऑब्जर्व होना चालू हो गई थी। वो सभी एनर्जी को ऑब्जर्व करने में लगे हुए थे और धीरे धीरे ये एनर्जी बढ़ते जा रही थी, साथ ही अब वो एनर्जी उस पीक पॉइंट पर आ गई थी। अब तभी ये सभी ब्रेक थ्रो कर पाएंगे। इसके बाद हम सभी को एक एक कर देखते हैं, तो इसे हमें पता चलता है किस तरह एनर्जी ऑब्जर्व करने से उनकी पावर बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ ही उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ भी हो रही थी। अब वैसे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि हर कोई अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ाता है, लेकिन इससे कभी किसी को ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी ना होती है। मगर इसका कारण ये था कि एनर्जी ऑब्जर्व करना तो आसान है, लेकिन एक साथ इतनी एनर्जी अपनी बॉडी में स्टेबल रख पाना बहुत मुश्किल है। अब इसके बाद हम सोल सी का अंदर देखते हैं। यहाँ पर वो सभी यही कह रहे थे कि शायद अब वो ब्रेक थ्रो के करीब है। अब एक बार फिर एनर्जी का फ्लो बढ़ता है, साथ ही अब हम वापस बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि नाइली के आसपास की एनर्जी और ज्यादा बढ़ चुकी थी, साथ ही इसके बाद नाइली अब हवा में भी उड़ने लगा था। वैसे अभी आसपास में कल्टीवेशन कर रहे लोग भी उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे, साथ ही उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि नाइली के हवा में आने के बाद अचानक उसके बॉडी में से एक बहुत ज्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी निकलती है, जिससे सब कोई फिर एक बार शॉक हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद अब नाइली फाइनली लेजेंडरी रैंक पर पहुंच चुका था। वैसे अभी वो फर्स्ट स्टार मतलब कि लेजेंडरी रैंक के लेवल 1 पर आया है। आप इसे लेजेंडरी रैंक की बिगिनर स्टेज समझ सकते हैं। अब नाइली वापस नीचे आता है और तुरंत ही सबसे कहता है कि अब हमें सीधे ही थर्ड फ्लोर पर निकलना चाहिए, जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में वो थर्ड फ्लोर पर पहुंच चुके थे। यहाँ आकर वो देखते हैं कि ये थर्ड फ्लोर जगह पिछले दोनों फ्लोर से ज्यादा बड़ा नहीं है, साथ ही उन्हें वो पहले आए हुए लोग कहीं नहीं दिख रहे थे, इसलिए अब वो उन्हें फिर ढूंढने लगते हैं। मगर अब लोग कहाँ इन चीजों पर टाइम वेस्ट करता है, वो तो मस्त शांति से एक जगह बैठकर आराम से करने लगता है कल्टीवेशन। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लो जिस चीज से टीका था वो कोई दिवाई नहीं थी, दरअसल वो एक डेमोनिक बीस्ट था। अब लो उस बीस्ट की आंख देखकर बहुत ज्यादा डर रहा था। वो तुरंत ही बचने की कोशिश करता है और दूसरों को आगे कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो बीस्ट उठकर थोड़ा खड़ा होता है तो वो देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था, लेकिन वो बीस्ट कई सारे चैनों से बंधा हुआ था, यहाँ तक कि वो बैठने और खड़े होने के अलावा अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता था। मगर अब जब वो जोर से दहाड़ता है तो इससे लू बहुत ज्यादा डर जाता है, यहाँ तक कि वो तो वहाँ से लौटने की बात करने लगा था। वो कह रहा था कि हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि डिसिपल बनने के लिए अभी हमारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है, अगर हम जिंदा बचे तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। वैसे दूसरी तरफ डूजे भी कह रहा था कि सच में अगर ये बीस्ट अभी बंधा नहीं होता तो आज हम जिंदा नहीं होते। लेकिन अब नाइली उन सभी से कहता है कि तुम सबको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हेवनली फॉरेस्ट का डेमन बीस्ट है और इसे मिल पाना हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। वैसे दूसरी तरफ लू कहने लगता है कि अरे भाई, इसे मिलना हमारे लिए किस तरह से अच्छा हो सकता है। इसके बाद नाइली बताता है कि ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, दरअसल डूजे का सोल सी बीस्ट स्काई थंडर से फॉर्म्ड है, इसीलिए ये बीस्ट उसके लिए परफेक्ट स्पीड बीस्ट रहेगा।
अब ये सुनकर लू आगे आता है और कहता है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, इतने बड़े बीस्ट को हम पकड़ेंगे कैसे, और भले ही अगर हमने इसे खोल दिया तो क्या भरोसा कि ये हमें नहीं खाएगा। मगर अब नाइली कुछ भी उपाय बताता कि इसके पहले ही ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।